नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। और वही पास ही में अंजड़ थाना क्षेत्र के हुक्का सटोरियों को जेल भेजा। बड़वान जिले के अंजड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर में अवैध गतिविधियों में शामिल हुक्का सटोरियों को SDM न्यायालय ने वारंट जारी कर धारा 122 के तहत जेल भेज दिया। सटोरिया रमेश पिता छगन लाल बंसल उम्र 60 वर्ष निवासी बस स्टैंड अंजड़ को 4 सट्टा एक्ट में धारा 110 के तहत बॉन्ड ओवर के बावजूद लगातार अवैध गतिविधियों में पाए गए, जिसके चलते माननीय अनुबीघा राजपूत द्वारा वारंट जारी कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई, जिस पर अंजड़ थाना पुलिस ने आदेश की तामीली करते हुए सटोरे रमेश छगनलाल बंसल को केंद्रीय जेल भेज दिया गया। रमेश छगनलाल बंसल का परिवार भाजपा से जुड़ा है। होम मिनिस्टर ने अपने होम टाउन में भगौरिया सह परिवार पहुंचकर खाया गुड़ की सेव। आदिवासी अंचल का प्रसिद्ध भगौरिया पर्व की उमंग और मस्ती चहु और छा गई है। प्रदेश के होम मिनिस्टर बाला बच्चन भी अपने होम टाउन राजपुर में भगौरिया पर्व पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचकर गुड़ की सेव खाई। इस दौरान बच्चन उनकी पत्नी श्रीमती प्रवीणा बच्चन ने लोगों से आग्रह पर एक दूसरे को अपने हाथों से पान भी खिलाया। गृह मंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए युवाओं की लगी होड़। प्रदेश के गृह मंत्री श्री बाला बच्चन ने अपने गृह शहर राजपुर में भगौरिया पर्व पर पहुंचने पर ढोल मांदल की थाप पर नाच रहे युवाओं में और जोश का संचार हो गया। इस दौरान युवाओं बच्चन के साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ मच गई। मस्ती की उमंग सरोबार इन युवाओं के साथ गृह मंत्री ने भी उत्साह से सेल्फी खिंचाई। पूरे शराब पर है भगौरा का पर्व। क्षेत्र में 3 मार्च से प्रारंभ होने पर पूरे शराब पर है। जिले के विभिन्न अंचलों में आगामी 9 मार्च तक चलने वाले हाट बाजारों में होने वाले भगौरा पर्व पर आदिवासी भाइयों का प्रमुख खाद्य वस्त्र ढोल मांदलों के साथ उत्साह मस्ती का पर्व है, जिसमें टोली के रूप में नाच गाकर जहाँ अपनी उमंग मस्ती प्रदर्शन करते हैं। वहीं आज पार्टी में भी बड़वानी नगर पालिका अध्यक्ष श्री लक्ष्मण चौहान, पार्षद सुनील यादव, अन्य पार्षदों ने भगौरिया पर्व का लुत्फ उठाया। श्री ओम प्रकाश बुधोलिया अध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने श्री कांता प्रसाद जेमन को पेंशनर एसोसिएशन जिला बड़वानी का प्रभारी अध्यक्ष नियम और प्रावधान के अनुसार नियुक्त किया है। श्री बुधोलिया ने बताया कि बड़वानी में पूर्व अध्यक्ष श्री विजय कुमार जैन संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त तथा वे श्री प्रजापति जी को प्रांताध्यक्ष मान रहे हैं तथा उनका आस्था इस संगठन के प्रति नहीं है। श्री जैन के विरुद्ध बड़वानी पेंशनर्स ने दिनांक 13/2020 को एक बैठक श्री AJ खान संगठन सचिव इंदौर की उपस्थिति में बड़वानी में आयोजित की। श्री विजय कुमार जैन के स्थान पर श्री कांता प्रसाद जेमन को नियुक्ति प्रदान की अनुशंसा की। अतः उक्त अनुसार श्री जेमन जिला बड़वानी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री जेमन के नेतृत्व में बड़वानी में चौमुख विकास होगा और बड़वानी में मिल का पत्थर साबित होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी एवं सेव द चिल्ड्रन के संयुक्त तत्वाधान में समेकित बाल संरक्षण योजना और बाल श्रम से जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों के समेकित बाल संरक्षण योजना 2009 लैंगिक अपराध इससे बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बालक एवं किशोरी श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 2016, किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नगर में साकी रिसोर्ट में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला सत्र न्यायाधीश श्री रामेश्वर कोठे सहित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी श्री हेमंत जोशी, प्रधान न्यायाधीश श्री किशोर न्याय बोर्ड सुश्री रश्मि मंडलोई, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला विकास श्री सुनील सोलंकी, श्रम अधिकारी श्री KS मुजालदा, DSP अजाक सुश्री प्रियंका डोडवे द्वारा की गई। शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातक महाविद्यालय बड़वानी कन्या महाविद्यालय बड़वानी के स्वयं सेवकों ने अपने शिविर के 6वें दिन रैली और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से नशा मुक्ति, यातायात सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण एवं जन जागरूकता अभियान चलाया। प्रातः निकाली गई रैली शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रस्तुत नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वयं सेवकों ने समाज में फैली बुराइयों को जड़ से मिटाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और राष्ट्रीय हरित कोर क्लब पर्यावरण पर जन जागरूक लोगों को किया गया।